हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईएएस एंड पीसीएस। और फ्रेंड्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन लॉजिक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स पहले से ज़रूर कर के जाना चाहिए, बिकॉज अगर एग्ज़ाम से पहले आप इसे करके जाएंगे तो आई होप गाइज आपको 6 to 8 मार्क्स इसी से मिलने वाले हैं और श्योर अबाउट इट, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आ रहा है। मैंने इसलिए भी एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये वीडियो बनाया है, वरना मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। बट राइट नाउ आई जस्ट थिंक दैट कि अगर कोई नॉलेज है तो उसे शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ हल्के में मत लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इनफ है, बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगी तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कन्फ्यूज़ मत होना, इंडियन लॉजिक कोई बहुत बड़ी सी डरावनी सी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट नॉट स्कैरी एज अदर वीडियो शोज़ यू। सो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। आपको शब्द के मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि आपने ये शब्द पहले पढ़े नहीं होंगे, एज वेल एज मैंने भी नहीं पढ़े थे। सो जैसे जैसे आप इन्हें पढ़ते जाएंगे, इनके मीनिंग आपको याद रखने हैं, मीनिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सही बता रही हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या है, इसमें मार्क्स जो है वो काफ़ी लॉस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। जैसे कि ये सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि सभी बच्चों को इससे हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, जो इंडियन लॉजिक है वो क्या है, इंडियन लॉजिक एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमारे जो ऋषि थे ना, वो ऋषि किस तरीके से सारी नॉलेज को गेन करते थे, या पहले की जो मतलब सारी चीज़ें थी उन्हें देख करके वो किस तरीके से उन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड किया करते थे, नॉलेज गेन किया करते थे। देखिए, मैंने यहाँ पे नोट्स अपने ही दिए हुए हैं, मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रमाणा इज़ अ वे टू गेन नॉलेज। ओके, सो प्रमाणा क्या है, ज्ञान को यानी नॉलेज को किस तरीके से गेन किया जाता है, उसका एक तरीका है। और एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे फ्रेंड्स, जो कि जॉन लॉके, तबूला रासा। ओके, सो दैट इज़ अ तबूला रासा, इसे आप तबूला ही पढ़ेंगे। एक्चुअली जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, है ना, नई नई चीज़ें उनको ऑब्जर्व करने के लिए मिलती हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं और बातें सुनते सुनते और देखते देखते उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें प्रमाणा की, तो प्रमाणा है क्या, प्रमाणा जो है आपके 6 तरीके के हैं, 6 काइंड्स ऑफ प्रमाणा इज हियर अद्वैता फिलोसफीज अकॉर्डिंग। ओके, सो अद्वैता फिलोसफीज में जो दिए गए हैं वो 6 तरीके के प्रमाणा हैं। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब है जो आपके सामने है एट प्रेजेंट, एट अ मोमेंट आप जैसे देख पा रहे हैं, सपोज आपके पेरेंट्स, ठीक है, या फिर जो बाहर रह करके स्टडीज़ कर रहे हैं, या कहीं हॉस्टल्स में हैं, पीजीज में हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने होंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कौन हुआ, जो आपके सामने है, जिसे आप 6 सेंसेस के साथ अपने देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद में आप देख सकते हैं अनुमाना, अनुमाना होता है आपका इंटरफेरेंस। ओके, सो इन्फेरेंस है ना, एजुकेटेड गैस। सो अनुमाना मतलब होता है आप किसी चीज़ के बारे में एक एजुकेटेड गैस कर रहे हैं, यानी कि आप उस चीज़ को जानते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में आप गैस कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जो टीचर हैं ना, ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कराते हैं और इनकी हर बात हमें समझ आती है। ओके, सपोज़ वन ऑफ द टीचर ऑफ योर्स हु इज़ योर फेवरेट, है ना, उनकी कही हुई हर बात आपको समझ में आती है और आपको याद रहती है। तो आप क्या सोचेंगे कि हमें मैथ्स नहीं क्लियर हो रहा है या रीजनिंग नहीं आ रहा है, तो हम ये सर से बोलते हैं या मैम से बोलते हैं तो वो हमें समझा देंगी। तो ये होता है एक एजुकेटेड गैस, कि आप ये गैस कर रहे हैं, आपने सोचा ही तो है कि हाँ वो हमें ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे या पढ़ा देंगी, क्योंकि हमें तो उनका समझ में आता है। तो दैट इज़ अ एजुकेटेड गैस, यानी अभी हुआ नहीं है, उन्होंने पढ़ाया नहीं है, बट हमने ये माना हुआ है कि वो टीचर हमें अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि हमें सब कुछ समझ आता है। तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमें मैथ्स और रीजनिंग जो हमें टफ लगता है, एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, वो भी अगर वही टीचर जो आपके फेवरेट पढ़ाएंगे तो आपको 100% नहीं 200% समझ आएगा। तो दैट इज़ अ अनुमाना, मीन्स आप अनुमान लगा रहे हैं, आप पहले से इन्फेरेंस कर रहे हैं कि आपको ये काम अगर कोई आपका फेवरेट टीचर करेगा तो आपको समझ में आएगी आएगा। आई होप आप लोगों को सिंपली बहुत समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ही आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आएगा उपमाना, उपमाना इज़ अ कंपैरिजन और एनालॉजीज। ओके, उपमाना होता है दो चीज़ों के अंदर हम कंपेयर करते हैं, सो दैट इज़ अ उपमाना, कंपेयर टू समथिंग विद सम अनदर थिंग, ठीक है। और इसे हम एनालॉजी भी कह सकते हैं, सपोज कोई चीज़ है आपको किसी को समझानी है कि ये बेटर है, तो उसके उसके बारे में आप उसके फीचर्स बता सकते हैं, है ना, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। सपोज आप बताना चाहते हैं आपका फ़ोन जो है आपके फ्रेंड के फ़ोन से बेटर है, तो आप क्या करने लगेंगे, कंपेयर करने लगेंगे, क्योंकि आप न्यू लेके आए हैं और आपके फ्रेंड का जो फ़ोन है वो अपडेटेड नहीं है, तो आप बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में अपडेशन है,
नेक्स्ट आएगा आपका अर्थपति. अर्थपति इट्स जस्ट लाइक दिस, फाइंड अ मीनिंग अर्थपति. सम हाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट सी दैट कि सपोज समवन इज मींस, अगर आप मान लीजिए कि किसी चीज़ को देख रहे हैं, है ना, और हमें वो चीज़ से हमें कुछ और कंक्लूजन निकालना है, तो हम क्या सोचेंगे कि जो नहीं हो रहा है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे. जैसे मैं बताती हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन डे आई जस्ट सी हर कि उसने बहुत अच्छे से ड्रेसेस पहने हुए हैं और बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि शी जस्ट इन अ मूड ऑफ पार्टी. तो मैं जानती तो नहीं थी, बट मैंने सोचा कि आई थिंक आई गेस कि शायद हो सकता है कि आज इसका बर्थडे हो, है ना, या फिर आज ये किसी पार्टी में जा रही हो. तो इस तरीके से अर्थपति होता है. अर्थपति मीन्स आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं बट फिर भी उसका मीनिंग सोचते हैं, उसके बारे में जानकारी मीन्स नहीं होते हुए भी आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो फाइंड मीनिंग अज्यूमिंग वेदर इट्स सीन और अनसीन और अननोन मीन्स विदाउट नोइंग द फैक्ट वी जस्ट गेट अ नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, तो ये हो गया अर्थपति. हमें पता तो नहीं था बट वी गेट अ मीन्स अ गेस. इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को. अनुपलब्धि हो जाएगा. अनुपलब्धि में आप अगर मान के चले, अन उपलब्धि मीन्स अगर जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, जैसे सपोज आप किसी के घर पे गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई, जैसे आपकी फ्रेंड है वो नहीं मिलती है, बट उसके पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे. तो अनुपलब्धि इज़ जस्ट गिव यू अ वेरी मच आइडिया अबाउट इट. ओके, सो जैसे मान लेते हैं कि कहीं कोई एक मर्डर हुआ है और उसकी 3 विक्टिम्स हैं, ठीक है. अब हमें पता है कि अगर हमें उस केस को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तीनों के तीनों तो मर्डर नहीं हो सकते ना, ओनली वन मर्डर इज़ देयर. तो हम क्या करेंगे, उसमें से गेस करेंगे कि कौन उस समय कहाँ था. सो हमें मिला कि एक जो पर्सन थे वो उस दिन आउट ऑफ सिटी थे, तो आउट ऑफ सिटी वाले जो थे वो उस दिन थे ही नहीं प्रेजेंट, तो वो तो मर्डर हो ही नहीं सकते, ठीक है. तो इस तरह से किसी की अनुपलब्धि यानी किसी का ना होना या ना पाया जाना भी क्या हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, बिकॉज वो इनोसेंस हो गया वहाँ पर, ठीक है. अगर वो प्रेजेंट होता तो क्या करते हम, फिर उसके फैक्ट भी जानते, ठीक है. तो दैट इज़ अ अनुपलब्धि. इसके बाद में लास्ट वन है आपका शब्द बहुत ही सिंपल है, गेट नॉलेज थ्रू रिलायबल सोर्सेज, वेद पुराणास, है ना, भगवत गीता. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे ऑथेंटिक सोर्स हो गए, जिससे कि हमें क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, ठीक है. सोलर सिस्टम हमने देखा तो नहीं है बट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा हुआ है. तो वी रिलाई ऑन दैट ऑल द थिंग्स वी गेट, जो कि हमें कहाँ से सोर्सेज से मिले हो, ऑथेंटिक सोर्सेज से मिले हो. तो वो सारी जो बहुत सारी नॉलेज हमारे पास होती है वो कहाँ से होती है, ऑथेंटिक सोर्सेज से आई हुई होती है, ठीक है. जैसे हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, हम सभी ने देखा नहीं है बट ऑलमोस्ट वी ऑल रिलाई ऑन दैट, जो भी ऑथेंटिक सोर्स कहते हैं उस पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं. तो दैट इज शब्द. आई होप हम लोगों का पुरमाना खत्म हो गया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस इसके बनेंगे और इसी के ऊपर बनेंगे. बस आपको इनके मीनिंग्स को याद रखना है और इसको लर्न करना है. ओके, सो बाय बाय, एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा.